हम जो है कि छोटे किसानों के लिए छोटू वीडियो जो है हमारे पास चार तरीके के जो मॉडल लेके आए हैं वो दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास टू स्ट्रोक इंजन भी उपलब्ध है और फोर स्ट्रोक इंजन भी उपलब्ध है। ये जो छोटू वीडियो है वो किचन गार्डनिंग जो महिलाएं घर में किचन वगैरह एक बीघा दो बीघा से लेके जो ज्यादा खेती करते हैं 8-10 एकड़ तक की, उनके लिए सभी के लिए आज जो हम यहाँ पे मशीनें दिखाने वाले हैं। तो ये जो मॉडल है इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए हमारे किसान भाइयों को, इसके बारे में जानकारी। ये हमारा जो है आप देख सकते हैं MT 5500 मॉडल है, जिसमें 52 cc का जो है वो इंजन लगा हुआ है, 1.5 horsepower का इसके अंदर इंजन है। और जो रोटावेटर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 1 foot का जो है इसके अंदर वो रोटावेटर जो है इस्तेमाल किया गया है, जिसमें जो है कुल जो 16 छुरियां जो है लगी हुई है। ये जो मशीन है ये आपका जो है लगातार 1 घंटा चल सकती है। 2 stroke इंजन है तो पेट्रोल में टूटी ऑयल मिक्स करना पड़ेगा। ये जो हॉबी मॉडल है किचन गार्डनिंग के लिए, मतलब छोटे कामों के लिए है, जो किसान भाई का 1-2 बीघा सब्जी का करते हैं या जो घर के अंदर जो है उनका छोटा मोटा बाग है, उनके लिए ये जो बहुत ही बढ़िया मशीन है। और सबसे बड़ी बात की ये लाइट वेट है, एक आदमी जो है आसानी से एक हाथ से इसको जो है उठा के कैरी करके कहीं भी लेके जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और जो जुताई है वो 2-3 इंची गहरी और 11 इंची चौड़ाई में करता है। और उसके बाद हमारे पास जो इसका अगला मॉडल आता है वो MT 7000 आता है, जिसमें हमने 68 cc का इंजन लगा रखा है। और आप देख सकते हो कि पीछे इसके हमने 2 पहिए भी दे रखे हैं, जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाने में जो है वो कंफर्टेबल होने वाले हैं। 68 cc का इंजन मतलब 3 horsepower का इंजन इसके अंदर हमने 2 दे रखा है, 2 stroke इंजन है और जो चौड़ाई है वो लेके जाता है 1.5 foot की, 1.5 foot 17 inch के अंदर जो है ये काम करता है। जो इसके ब्लेड लगे हैं वो लंबे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है गहरी जुताई 4-5 inch की गहरी जुताई जो ये करता है। इसमें भी पेट्रोल के साथ टूटी ऑयल डलेगा, 2 stroke इंजन है। और इसका जो एयर क्लीनर है वो आप देख सकते हैं हम अलग से ऊपर की तरफ जो है वो लेके आए हैं। और ये जो मशीन है ये इसमें आपको धूल मिट्टी जाने की कोई ऐसी शंका नहीं है। और ये मशीन जो है आपका पूरा इंजन से जो आप देख सकते हो कि गियर बॉक्स पे सीधी जुड़ी हुई है, आपको इसमें जो है कोई चेन वगैरह या कोई बेल्ट सिस्टम नहीं देखेगा, इंजन से गियर बॉक्स में जुड़ी हुई है। और पीछे इसके जो है हमने हॉकी वगैरह भी लगा रखी है, ताकि इस पर आप छोटे मोटे इम्प्लीमेंट जैसे कि लेवलर या रीजर जो है वो लगा सकते हो। लंबा हैंडल दे रखा है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और ये भी जो है काफ़ी लाइट वेट है, पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे किसान भाई हैं जम्मू कश्मीर के या हिमाचल के उत्तराखंड के, तो वो इसको आसानी से लेके जा सकते हैं सीढ़ी नुमा खेत के अंदर लगातार, ये भी 1-1.5 घंटे के लिए। और ये जो है हम 1-2 एकड़ की खेती के किसानों के लिए रिकमेंड करते हैं। फ्यूल कंजम्पशन की बात करें तो 1 घंटे का जो है 1-1.25 लीटर जो है ये फ्यूल की खपत करता है। पेट्रोल टंकी इसकी 1.5 लीटर की है। और इसमें जो है आप काम अगर आपका थोड़ा बहुत है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसका जो प्राइस है आपने क्या रखा हुआ किसान भाइयों के लिए? जो हमारा 1.5 horsepower का 2 stroke इंजन था MT 5500 मॉडल, जिसमें 11 इंच का रोटावेटर दिया हुआ था, वो तो किसानों को पड़ेगा मात्र 12,500 रुपए का जी। और जो हमारा ये MT 7000 मॉडल है, जिसमें हमने 68 cc का इंजन लगा रखा है और 3 horsepower का इंजन है, तो ये जो किसानों को पड़ेगा मात्र 21,500 का। इसके अंदर किसानों को रोटावेटर मिलेगा, टूल किट वगैरह मिलेगी और जो है पूरी मशीन कंप्लीट सेट में तो मिलेगी। इसी 21,000 में क्या डिलीवरी भी इसी के अंदर है या डिलीवरी चार्ज अलग से लगेगा? डिलीवरी किसानों के घर तक पहुंचाने की है, चाहे वो जम्मू से हो, चाहे कर्नाटका से हो, चाहे जो है वो वेस्ट बंगाल से हो, फ्री होम डिलीवरी है, GST भी बीच में है, सब ट्रांसपोर्ट के खर्चे बीच में इंक्लूड करे हुए हैं जी। अब हम बात कर लेते हैं ये अगला मॉडल जो है हमारा, इसके बारे में। ये जो है हमारे जो है कमर्शियल छोटू वीडर है। कमर्शियल छोटू वीडर के अंदर जो है हमने 4 stroke इंजन लगाया है किसान भाइयों। जी हाँ, 4 स्ट्रोक मतलब अकेला पेट्रोल डलेगा, कोई टूटी ऑयल नहीं है। मोबिल ऑयल अलग से चैम्बर के अंदर रहता है जैसे मोटरसाइकिल में होता है, और जो सर्विस के वक्त जो है वो बदला जाता है। और इसके अंदर 4 स्ट्रोक है तो मतलब आपको कोई ये नहीं है कि खाली किसी ने कुछ टूटी ऑयल कम डाला, ज़्यादा डाला, खराब हो गया इंजन। अकेला पेट्रोल इसके अंदर डलना है, 150 cc का आप देख सकते हैं, 5.5 hp का इंजन है, तो सुपर स्प्लेंडर जितनी इसके अंदर जो है वो ताकत है। 80 start हमारा जो है ये इंजन है। और इसके अंदर भी जो एयर फिल्टर है वो हमने डबल दिया हुआ है, ऊपर जो है इसके अंदर जो है फोम वाला है और नीचे आके हमने इसमें आप देख सकते हैं कि साइड में कटोरा भी दे रखा है, तो यहाँ पे ये तेल में रहता है, तो मतलब धूल मिट्टी बिल्कुल भी इंजन के अंदर जो है वो जाने वाली नहीं है। ये जो है चेन ड्राइव है, यहाँ पे इसके जो है चेन घूमती है। और सबसे बड़ी बात की ये जगह जो लेके जाता है मात्र 13.5 inch में जो है ये मशीन हमारी काम करती है, मात्र 13.5 inch, क्योंकि 15 inch के जो गोभी के घूल होते हैं या सब्जियों के घूल होते हैं तो वहाँ पे किसानों को जैसे हमारे जो पहले वाले मॉडल थे वो भी 1.5 foot में चलते थे तो दिक्कत आती थी। और दूसरी बात, वो 2 stroke इंजन थे तो वो उनको 1 घंटे से ज़्यादा देर नहीं चला सकते। ये 4 stroke इंजन है, 150 cc का इंजन है और इसको जो है आप लगातार जो है 5-6 घंटे आसानी से बिना थके चला सकते हो। ये इंजन गर्म नहीं होगा, सेंसर के ऊपर भी पूरी जाली दे रखी है ताकि कोई गर्मी वगैरह
कि हीट वगैरह आपके हाथों पे ना लगे। और इसके अंदर जो है आपको ये रोटावेटर ब्लेड भी साथ में दिए जाते हैं, ताकि अगर कोई किसान भाई 2 फीट के अंदर इसको चलाना चाहता है तो 2 फीट में भी जो है ये दोनों लगा के चल जाते हैं। ये खुल भी जाता है, यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है वो नट दे रखी है, जिसकी मदद से आप इसको ऐसे जो है नट को अगर आप ढीला करोगे तो ये जो है आपका रोटावेटर का सेट खुल कर, अगर आप 2 लगाना चाहो 2 लगाओ, अगर आप अकेला एक एक चलाना चाहते हो तो वो भी आप इसके साथ जो है वो चला सकते हैं। और इसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात एवरेज की जी, अब जो है कमर्शियल मॉडल है तो लोगों को किराए पे भी चलाना है, अपना भी चलाना है, तो तेल की खपत बहुत ज़रूरी है पर जानना, तो ये जो है मात्र 1 घंटे का 0.5 लीटर पेट्रोल लेता है। कुल आधा लीटर 1 घंटे का पेट्रोल लेता है, और 2 से 2.5 घंटे के अंदर 1 एकड़ की जो जुताई है वो आसानी से कर देता है। हैंडल इसका जो है वो काफ़ी लंबा दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखी है, और साथ ही साथ इसके साथ जो किसान भाई है अलग से ये अटैचमेंट अगर लगाना चाहते हैं तो वो अटैचमेंट भी हमने यहाँ पर बना दी है। अगर वो चाहते हैं कि इसके साथ लेवलर लगाना चाहते हैं, या वो इसके साथ जो है वो कड़ा का काम करना चाहते हैं, या वो नाली बना के गूल बनाना चाहते हैं, मिट्टी लगाना चाहते हैं, तो वो सब काम भी जो है वो इस मशीन के साथ कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ ये जो हमारी मशीन है, रोटावेटर वीडर जो है वो भी आपको इसके साथ मिलेगा। एक हम इसके साथ ये जो वीडर ब्लेड हम देते हैं, इसकी खासियत ये है कि अगर आपके खपतवार जो बड़ा खड़ा है, जैसे कि मेरे घुटनों तक कोई खड़ा है खपतवार, तो अगर उसमें सीधा रोटावेटर चलाएंगे तो वो उलझ जाते हैं और रोटावेटर काम करना छोड़ देता है। पर ये वीडर ब्लेड जो है बड़े खपतवार को भी ज़मीन से काट के साफ कर देते हैं, ताकि आप बाद में उसमें रोटावेटर लगा के गहरी जुताई जो है वो कर सकें। अब बात करें गर्गी के, इसका जो है गारंटी या वारंटी क्या है? सर जो हमारे ये दोनों मॉडल हैं इसके अंदर जो है 1 साल की किसानों को गारंटी मिलती है। ये दोनों मॉडल अलग अलग हैं, ये हमारा 450 मॉडल है, ये 460 मॉडल है। 460 मॉडल में हमने जो 450 से थोड़ी अलग खूबियां दे रखी हैं, इंजन दोनों में सेम है, रोटावेटर का साइज, वीडर भी सब सेम है, हैंडल वगैरह भी सेम है, फर्क जो है वो गियर बॉक्स में है। तो रेट का भी इनमें फर्क होगा? जी थोड़ा बहुत रेट का भी फर्क है, बट वो रेट के फर्क समझाने से पहले मैं समझाऊंगा कि फर्क है तो क्या है। इसके अंदर जो है वो गियर बॉक्स दिए देखा, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 2 गियर है, ये अभी दूसरे गियर में है, बीच में इसके न्यूट्रल है, और ये पहला गियर इसके अंदर लग जाता है। सेंटर में न्यूट्रल के बाद आप पहला गियर भी लगा सकते हो और न्यूट्रल भी कर सकते हो और दूसरा गियर भी इसके अंदर लगा सकते हो। ये दोनों गियर जो है वो आगे के हैं, इसकी गियर बॉक्स की हब भी जो है ऊपर से चौड़ी है, जो हब जो गियर बॉक्स है वो भी चौड़ाई में ज़्यादा है, ज़्यादा इसके अंदर तेल आता है, ताकत ज़्यादा हो जाती है। 2 गियर लगाने का फ़ायदा क्या था? 2 गियर लगाने हमने इसलिए समझे क्योंकि अगर आप काम जल्दी निपटाना चाहते हो वो भी निपटा सकते हो, या आप चाहते हो कि मिट्टी आपकी बहुत ज़्यादा बारीक हो तो दूसरे गियर पे जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा बारीक होती है, काम जल्दी निपटता, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी ड्यूटी बनाना की हमने कोशिश करी है, ताकि छोटे एरिए में भी चल जाए 13.5 इंच में या 15 इंच में या 2 फुट में, और 4 स्ट्रोक इंजन भी मिल जाए ताकि पेट्रोल की खपत भी कम हो। इंजन 5.5 HP का लगा दिया, लगाने का तो 3 का भी लगा देते तो भी आसानी से चल जाता, 5.5 का लगाया ताकि आप इसके ऊपर लोड भी डालें तब भी आपका इंजन हमेशा अंडर लोड रहे, इंजन के ऊपर जो है वो जोर वगैरह ना रहे, इंजन की जो ताकत है वो बनी रहे, इंजन अपने RPM ना तोड़े। और इसके अंदर हमने जो कवर है वो भी एक्स्ट्रा और आगे की तरफ बढ़ा दिए हैं, जिसको किसान भाई नट बोल्ट के जरिए खोल भी सकता है, या लगाना चाहे तो एक्स्ट्रा कवर साथ में लगा के इसके जो मडगार की चौड़ाई है वो भी हमने बढ़ाने की कोशिश की, वो भी उससे जो है कवर हो सके। जी जी। तो इनका रेट जो है अलग अलग क्या आपने रखा हुआ है, जरा उसके बारे में बताएं। जो हमारा ये 450 मॉडल है जी, जिसमें 5.5 HP का 4 स्ट्रोक इंजन है, तो ये वाला जो पड़ता है वो 30,000 का पड़ता है, और जिसके अंदर हम आपको रोटावेटर वाले ब्लेड जो ये 2 फीट के आपको देखे थे, और ये जो वीडर ब्लेड जो आपका बड़ा खपतवार जो है काट देगा, या जो 13.5 इंच के अंदर चलते हैं, तो ये दोनों सेट आपको जो है मात्र 30,000 में मिलने वाले हैं। और अगर कोई किसान भाई गियर वाले मॉडल में जाना चाहता है तो उसकी भी जो हमने बहुत ही सोच समझ के कीमत रखी है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो हमारी गियर लगाने की एक्स्ट्रा पैसे लगे हैं उतने ही मांगे हैं किसानों से, ये हम मॉडल जो है वो 32,000 में देते हैं। 32,000 2,000 2,000 का फर्क है, और वो जो 2,000 है वो गरानियों का सब सिस्टम बनाने का जो हमारा लगा, सिर्फ उतना ही मांग रहे हैं, हम उसमें कोई ज़्यादा पैसे किसानों से नहीं मांग रहे। हमारी कोशिश है कि किसान जो है गियर मॉडल इस्तेमाल करे, ताकि उन्हें और अच्छा जो है, सिर्फ 2,000 का फर्क है, दोबारा तो आदमी 30-32,000 नहीं लगा सकता। बिल्कुल। तो 2,000 के फर्क से उसको जो है एक अच्छी मशीन जो है वो मिलने वाली है, ताकतवर मशीन जो किसानों आपको हम देने वाले हैं। तो गर्ग साहब, ये जो मशीनें हैं इन्हें मंगाने के लिए अगर कोई किसान भाई आपसे कांटेक्ट करे तो वो कहाँ कांटेक्ट करे, और इनके लिए एडवांस कितना जमा करना होगा आपके यहाँ? अगर कोई किसान भाई इसको लेना चाहता है तो वो उसको जो है हमारी कंपनी में
फोन कर सकता है, स्क्रीन के ऊपर नंबर दे रखे हैं। किसान भाइयों फोन उठाइए, जानकारी लीजिए, सोच क्या रहे हैं, जो पूछना है पूछिए, मन में शंकाएं हैं वो दूर करिए। शंकाएं दूर होने पर अगर आपको इसकी बुकिंग करवानी है तो इसकी बुकिंग के लिए आपको जो है बुकिंग अमाउंट हमारी कंपनी में देनी होगी। हमारे पास 12,500 वाला वीडर भी है, हमारे पास 30-32,000 वाला भी है। जैसा आपका काम है उस हिसाब से आपको मॉडल जो है वो देंगे। आपको जो लेना है वो आप उस हिसाब से ले सकते हो। मशीन की बुकिंग आने के बाद हम आपसे आपका पता मांगेंगे, पते के ऊपर मशीन जब हम भेज देंगे तो मशीन आपके वहाँ पे जो है लगभग 4 से 5 दिन के अंदर पहुँच जाती है। मशीन जब आपके उधर पहुँच गई तो आपको बाकी का पेमेंट करना है और मशीन की जो है आपकी होम डिलीवरी आपके घर के अंदर दे दी जाएगी। तो गर्ग साहब, आपने इन मशीनों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और ये भी बताया कि किसान भाई इनसे बहुत ही अच्छा अपना काम कर सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।